रामोसी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3 किलो से ज्यादा सोना यात्री के पास से बरामद हुआ है। बड़ी खबर, 3 किलो से ज्यादा सोना एक यात्री के पास से बरामद हुआ है। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से मस्कट से आए यात्री से मिला है सोना, 1,68,00,000 से ज्यादा कीमत का सोना मिला है। कस्टम विभाग ने की कार्रवाई जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में सोना बरामद हुआ है लखनऊ से एयरपोर्ट से। तो यात्री से मिला 3 किलो से ज्यादा सोना, 1,68,00,000 से ज्यादा कीमत का सोना। अनूप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया। अनूप, मौसी एयरपोर्ट पर जो सोना बरामद हुआ है, फिलहाल कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, फिलहाल अब कुछ क्या कुछ अपडेट है? देखिए बिल्कुल, ये मस्कट से जो है जो फ्लाइट है ये एयरपोर्ट लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची थी, और यहाँ पर जो कस्टम विभाग है और जो अन्य अधिकारी उनको जानकारी मिली थी कि युवक के पास जो है वो सोना लाया गया है। इसके बाद जब युवक को चेक किया गया, यानी उस यात्री को चेक किया गया, तो उसके पास से 3 किलो जो सोना है वो बरामद हुआ है। वो छुपा करके जो है वही कातराना अंदाज में लेकर के आया था, जिसकी कीमत 1,68,00,000 से अधिक बताई जा रही है। कस्टम विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगातार उससे पूछताछ कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये सोना लाने का मकसद क्या था और इससे और कौन कौन लोग जुड़े हैं। ये पहली बार नहीं है, हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पे तमाम जो है लोग बड़ी संख्या में जो एक तरह से सोना जो है गलत तरीके से लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कस्टम विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी सतर्कता है कि लगातार ऐसे जो मामले हैं उनका उजागर किया जाता है और उनको पकड़ा जाता है। तो बहरहाल जो यात्री है उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है क्या मकसद था उसके। बिल्कुल, क्या मकसद था और सबसे बड़ी बात है कि इनका नेटवर्क और कहां कहां पर था, इस पर भी आप नजर रखिएगा। अनूप, हम आगे आपसे अपडेट लेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने की शुरुआत हो चुकी है। अधिकारी